सीजो न्यूज, हर खबर आप तक। इस समाचार के प्रायोजक हैं RRT स्कूल। अच्छी शिक्षा के लिए आज ही करवाएं रजिस्ट्रेशन, संपर्क करें 9472693944। मुजफ्फरपुर पुलिस को पिछले 24 घंटे में अहम सफलता मिली है। 3 डिफरेंट जगहों पर पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई में 2 पिस्टल, 2 कंट्री मेड वेपन और इसके अलावा अपराध में यूज किया हुआ एक चाकू और इसके एवं बाइक बरामद हुई है। एक वीक पहले मोतीपुर थाना क्षेत्र में HP पेट्रोल पंप में लगभग 1,00,000 रुपए की लूट हुई थी। इस मामले में एक विशेष टीम DSP वेस्ट के नेतृत्व में बनाई गई, जिन्होंने कई स्थानों पर लगातार रेड की और कई अपराधियों की पहचान करने की कोशिश की गई। इसके बाद में CCTV के आधार पर कुछ अपराधियों की पहचान हुई, जिसको DSP वेस्ट, SHO मोतीपुर और अन्य टीम के सदस्यों ने अरेस्ट किया, जिसमें पुलिस को सूचना मिली कि कुछ अपराधी फिर से इकट्ठा होकर इसी प्रकार की एक लूट की योजना को अंजाम देने वाले हैं। इसमें मोतीपुर SHO DSP वेस्ट की टीम ने मौका वारदात पर पहुंचकर 3 लोगों को अरेस्ट किया, जिनके पास से 1 देसी कट्टा व अन्य सामान बरामद हुआ। जब इनसे बाद में पूछताछ की गई तो इन्होंने मोतीपुर पेट्रोल पंप में अपनी लूट की संलिप्तता को स्वीकार किया। इसके अलावा DSP वेस्ट की ही टीम ने 2 अन्य जगहों पर रेड की, जिसमें जो है 2 पिस्टल और अन्य सामान बरामद हुआ। इस प्रकार अपराध के नियंत्रण में पुलिस को अहम सफलता मिली है। कुल गिरफ्तारी और कुल सीजर्स वगैरह टोटल 4 अवैध हथियारों की बरामदगी हुई है, जिसमें 2 पिस्टल है और 2 कंट्रीब्यूट वेपन है। इसके अलावा एक अपराध में इस्तेमाल किया चाकू बरामद है। मैगजीन 3 मैगजीन इसमें बरामद है, 10 राउंड गोलियां बरामद।